गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप शर्मा अपने यूट्यूब चैनल विजयलक्ष्मी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं, जिसका प्राइम मोटो है प्योर टीचिंग नथिंग एल्स। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको सामने दिख रहा होगा, जो आज का स्पेशल सेगमेंट हमने बनाया हुआ है वो हमारे दिमाग में कभी ना कभी एक अभी सोच आती है कि जो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई भी हेड ऑफ स्टेट्स है, उसकी कितनी सैलरी होती है। चलिए आइए, आज उसी के बारे में ये स्पेशल सेगमेंट बनाया गया है। लेकिन सबसे पहले ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप पेन और कॉपी अपनी तैयार रखिए और जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप नोट करते चलिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, उनकी इस समय प्रेजेंट में, वर्तमान में कितना वेतन है, तो अभी आपको बता दें हमारे जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो हैं 14वें नंबर के हैं। उनका नाम है श्री रामनाथ कोविंद सर है। रामनाथ कोविंद सर 27 जुलाई 2017 से अभी तक भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, जिनकी जो सैलरी है वो 5 लाख रुपए पर मंथ है। अगर डॉलर में देखा जाए तो 7,000 रुपए, $7,000 पर मंथ है। चलिए ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए। अब चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको बताते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, वाइस प्रेसिडेंट अभी हैं श्री वेंकैया नायडू हैं। श्री वेंकैया नायडू की अगर बात की जाए वो कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो 13वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं और वो 11 अगस्त 2017 से उनको पदभार मिला हुआ है। और जो उनकी सैलरी है वर्तमान में, यानी हम आज 2020 की बात करें, तो उनकी जो सैलरी है वो 4 लाख रुपए महीना है। अगर हम डॉलर बेस पे बात करें तो $5,600 पर मंथ है। चलिए अब हम आगे सीरीज को बढ़ाते हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट के बाद इनका, हमारे जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं आपके श्री नरेंद्र मोदी सर, उन वो कब से भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो हैं 26 मई 2014 से। वो कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो जैसे ये दिया हुआ है वो 14वें नंबर के स्टूडेंट्स प्रधानमंत्री हैं अभी। और उनकी जो सैलरी है वो लगभग 20 लाख रुपए महीना जा रही है। 20 लाख रुपए महीना कैसे है, क्योंकि इसमें जो एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो सैलरी मिल रही है वो भी इसमें हमने क्या की है, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं फिर प्रधानमंत्री भी हैं, दोनों मिला के उनकी सैलरी लगभग 20 लाख रुपए महीने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, कहने का मतलब है हर एक तरीके से हर प्रदेश में एक गवर्नर होता है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारी जो 28वीं अभी जो गवर्नर हैं वो हैं मैम आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल हैं, वो 29 जुलाई 2019 से हमारे यहाँ की गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की। उनकी जो सैलरी है वो लगभग 3.5 लाख रुपए पर मंथ है आनंदीबेन पटेल की। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारे 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है, श्री शरद अरविंद बोड़बड़े हैं। ये 18 नवंबर 2019 से हुए हैं। इनकी जो सैलरी है वर्तमान में वो 2,80,000 रुपए पर मंथ है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 47वें नंबर के हैं। फिर उसके बाद जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नंबर ऑफ पोजीशन 34 से ज़्यादा ये नहीं हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं 34 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। उनकी जो सैलरी है वो 2.5 लाख रुपए पर मंथ है, है ना, 2.5 लाख रुपए पर मंथ है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का नंबर आता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन से नंबर के हैं, 23वें नंबर के हैं। कौन है वर्तमान में, श्री सुनील अरोड़ा हैं। ये कब से हैं, ये 2 दिसंबर 2018 से अभी तक हैं 23rd चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये नोट कर लीजिए। इनकी भी जो सैलरी है वो 2.5 लाख रुपए पर मंथ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद कैग, ना आपने नाम सुना होगा, 13वें नंबर के जो कंपटीटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं वो हैं आपके राजीव महर्षि। ये 27 सितंबर 2017 से हैं। इनकी भी जो सैलरी है स्टूडेंट्स वो है लगभग 2.5 लाख रुपए पर मंथ कैग की, ठीक है, अभी हैं राजीव महर्षि सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के जो चेयरमैन है उनका नंबर आता है, वो अभी हैं राजीव सक्सेना हैं। ये 20 जून 2018 से अभी तक हैं। इनकी जो सैलरी लगभग आती है वो 2.5 लाख रुपए पर मंथ आती है। चलिए अब आगे चलते हैं।
फिर इसके बाद नंबर आता है 32वें, जो कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हैं। अगर कहा जाए कैबिनेट सेक्रेटरी पूरी जो सिविल सेवा होती है, आईएएस होते हैं, उनके हेड होते हैं। अभी वो अभी कौन है, राजीव गौबा सर हैं। ये 30 अगस्त 2019 से अभी तक हैं। इनकी भी सैलरी 2.5 लाख रुपए पर मंथ है। और ये किनको किनको रिपोर्ट करते हैं, ये भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पार्लियामेंट और प्रधानमंत्री को ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। कौन से नंबर के हैं, 32वें नंबर के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीफ, इनके बाद नंबर आता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कौन कौन है, आर्मी, एयर, नेवल, ये तीन तरह की हमारे यहाँ सेनाएं हैं, उनके हैं। इनकी भी जो सैलरी है वो 2.5 लाख रुपए पर मंथ है। कौन कौन है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आर्मी की बात करते हैं, तो आर्मी में अगर देखा जाए वो हैं 28वें नंबर के हैं जनरल मेजर मुकुंद नरवने हैं। ये 31 दिसंबर 2019 से अभी तक हैं। फिर उसके बाद एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। ये 30 सितंबर 2019 से अभी तक हैं। ये कौन से नंबर के हैं, एयर मार्शल, चीफ एयर मार्शल, 26वें नंबर के हैं। और फिर उसके बाद अगर हम जल का सेना वायु अध्यक्ष की बात करें तो वो हैं 24वें नंबर के, एडमिरल करमबीर सिंह हैं। ये 31 मई 2019 तक हैं, 19 से अभी तक हैं। चलिए फिर इसके बाद आता है नंबर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स का, इनके कितने अभी टोटल इंडिया के अंदर फरवरी 2020 में कितने हाई कोर्ट्स हैं, 25 हाई कोर्ट्स हैं। और इनके जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं उनकी सैलरी भी 2.5 लाख रुपए पर मंथ है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो भारत के जो गणमान्य नागरिक हैं, जो अलग अलग सेवाओं में हैं, उनकी कितनी कितनी सैलरीज हैं। गुड लक, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और एट लास्ट आप इसमें कमेंट सेक्शन में ये आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।